हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं बर्बन शेक। बर्बन बिस्किट का शेक होता है, इसको हम बनाएंगे। तो आज देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हमारे स्टार्टिंग होगी हमारे इस ग्लास से। इस तरीके का हमारा एक ग्लास होगा, इसके अंदर हम बनाएंगे इसको। ब्लेंडर, आपके पास ब्लेंडर नहीं होता है, घर में मिक्सी होती है, मिक्सी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ हैंड ब्लेंडर्स, हम सबके घर में ये हैंड ब्लेंडर्स होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो ईजिली। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए। अराउंड अराउंड 2 स्कूप्स हम आइसक्रीम लेंगे। डल गई आइसक्रीम, हमारा बिस्किट है। ऐसा कोई पर्टिकुलर, आप किसी भी बिस्किट से बना सकते हैं। आप ओरियो यूज़ कर सकते हैं, बर्बन यूज़ कर सकते हैं, डार्क फैंटसी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका फेवरेट बिस्किट है आप उस बिस्किट को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको डाल देते हैं, इसको रख लेते हैं। ये वाला बिस्किट हमारा गार्निश में काम आ जाएगा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक मिनट के लिए यहाँ पे। ओके, मिल्क हम अराउंड अराउंड 200 ml के अराउंड इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। थोड़ी सी चॉकलेट सॉस, चॉकलेट सिरप आप कह सकते हो। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है आइस ऐड करेंगे। अराउंड अराउंड 4 क्यूब्स के अराउंड मैंने आइस ऐड की हुई है। इसको हमने ब्लेंड करना है अच्छे से, फाइन ब्लेंड। अब बारी आई हमारे ग्लास की। ज़्यादा कुछ भारी, बहुत भारी काम नहीं होता है, बहुत इजी है, इजी टू मेक है, घर में इजीली बना सकते हैं हम लोग, इसको यूज़ कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए, पार्टीज़ के लिए, बच्चों के लिए। सो ये हमारा शेक रेडी है। अगेन मेरे पास ये फनल है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, पाइपिंग बैग बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो व्हिप्ड क्रीम होती है, जो बेकरीज में हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर मैं एक प्यारी सी डिज़ाइन बनाता हूँ अच्छी सी। ये मेरी डिज़ाइन बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर लगा दूंगा अपने बिस्किट्स। बिस्किट आप मैं ऐसे डाल रहा हूँ, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी चॉकलेट सॉस डालेंगे हल्की सी। ये स्प्रिंकल्स हैं, बच्चों को बहुत पसंद होती है स्प्रिंकल्स, सो आई एम यूजिंग दिस। वाला, इट्स रेडी। स्ट्रॉ एंड दिस इज योर ड्रिंक, सॉरी दिस इज माई ड्रिंक। थैंक यू।